बोकारो दिनभर में आज बालीडी थाना क्षेत्र के हैसाबातू में चोरी का मामला बताएंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ का हुआ समापन, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिनभर में। मैं अजय राज। बोकारो के सुर्खियों में एक महिला की संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। पीवीआर में देखा गया लोगों का उत्साह, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। फुल चार्ज में 120 किलोमीटर चलने वाले मेड इन इंडिया प्योर ई प्लूटो 7G इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। अब बच्चों के लिए भी खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, टैक्स पर मिलेगी छूट। पीएम मोदी ने उपभोक्ता केंद्रित दो योजनाओं का किया उद्घाटन। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 867 अंक और निफ्टी 226 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी का कीमत 600 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सिलसिले में कैबिनेट की आज हुई बैठक। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अस्थायी शिक्षकों को भी वेतनमान देने की हो रही है तैयारी। टाटा स्टील को पहली छमाही में 12,548 करोड़ का मुनाफा। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर पूर्वी हैसाबातू में गुरुवार बीती रात एक मकान में चोरी का घटना सामने आया है। मकान मालिक संतोष कुमार मिश्रा सपरिवार छठ पूजा करने गांव गए हुए थे और चोरों ने बाथरूम के खिड़की के जरिए घर के अंदर घुसा और चोरी का घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की सुबह जब मकान मालिक के रिश्तेदार ने घर पर आकर देखा तो घर पर अलमारी खुली पड़ी थी और उस घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे, जिसके बाद बालीडीह थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जाँच कर रही है। घर के मालिक गांव गए हुए हैं छठ करने के लिए। चाबी हमको दे करके गए थे कि देखिएगा, तो सुबह खोल करके देखे तो देखे कि बाथरूम का खिड़की टूटा हुआ है और अंदर से दरवाज़ा खुला हुआ है। मकान मालिक का नाम संतोष कुमार मिश्रा हुआ। मेरा नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रहा था। अच्छा। तो ड्यूटी गए, सुबह आए तो देखे कि चेक कर लेते हैं क्या स्थिति है, तो यहाँ चोरी हुआ पड़ा था। हाँ, इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस बोली कि जा रहे हैं, मकान मालिक द्वारा सूचना दी गई है। सूचना मिला कि ये जो यहाँ पर है सबातू में घर है संतोष कुमार मिश्रा जी का, उनके यहाँ चोरी हुआ है। हम आए तो देखें कि ये जो उनका बाथरूम है, बाथरूम के रास्ते से वेंटिलेटर तोड़ करके चोर अंदर घुसा और इनका तीन बेडरूम है, तीनों बेडरूम को खोल करके जितना सारा अलमारी वगैरह है या जो भी है उन सभी में कपड़ा जो भी था निकाल करके और जितना ही बक्सा है उसको भी खोल करके सारा चीज़ सामान बिखेर दिया है और जो मूल्यवान सामान है उसको ले जाने का आशंका है, क्योंकि वो कहीं कहीं ज्वेलरी वगैरह का भी देखते हैं खुला हुआ बॉक्स है। ये सब चोरी होने की संभावना है। बाकी सब जब ये जिन वादी हैं वो अगर आते हैं तो आगे बताया जाएगा क्या क्या चोरी हुआ है। तो अभी टेक्निकल सेल को बुलाएंगे, यहाँ कॉल डाउन करेंगे, संभावित नंबरों पर जांच करेंगे। दृश्य हमको लग रहा है कम से कम एक आदमी या दो आदमी, ज़्यादा नहीं आ सकते हैं क्योंकि छोटा सा एंट्रेंस है इसका, बड़ा सा नहीं है, तो ज़्यादा आदमी आने की संभावना नहीं है इसमें। अधिक से अधिक दो आदमी हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि एक ही आदमी हो। ये भी हो सकता है कि बच्चा हो, ज़्यादा इसका नहीं दुबला पतला, क्योंकि छोटा सा एंट्रेंस है इसका। अभी अभी एक खबर आई है, जानते हुआ क्या है। काफी उग्र होते जा रहे हैं एवं कार्यालय पर अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, जबकि कार्यालय में महिलाएं संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। उधर खुशी में तब लो, उधर खुशी आ रही है, तुम लोग तो बात कर।
मेहनत के मेहनत पर परेशानी तो है ही जमा करता है हम लोग के साथ में। हम लोग का राज चलता, हम लोग सारे इंडिया के एजेंट है समझे, और हम लोग का राज चलते मुश्किल हो गया। किसी का बहन का बेटी का शादी है, किसी व्यक्ति विशेष को 40-40 लाख रुपया मिल जा रहा है, और किसी का आम जनता को 1 रुपया भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा सारे इंडिया से। किसको 40 लाख आया है? दुबे सर को आया है, जोनल एडवाइजरी है ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोलते हैं, हम लोग शादी का कार्ड भी लगाते हैं, माननीय सहारा श्री का भी कहना है कि जिसका भी इमरजेंसी पीरियड है उसका पहले पक्ष मिलता मिलना चाहिए और मिलता भी है, लेकिन यहाँ पर माननीय जो प्रबंधक है लोकल वो सब बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम ये न्यूज़ के माध्यम से सबसे अनुरोध करने के लिए चाहेंगे, सहारा श्री को भी बोलने के लिए चाहेंगे, सब किसी का बहन बेटी है, सबका शादी किया है, जिसका इमरजेंसी है मेडिकल है उसका पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। सहारा श्री ये भी बोल रहे हैं कि पेमेंट सबका होगा, ये भी सच्चाई है कि पेमेंट होगा, लेकिन ये सहारा सेवी का विवाद के चलते पैसा रुका हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी का पेमेंट आया, उसको लेकर के सबको प्रॉब्लम है। तो कितना पेमेंट आया है? 40 लाख का पेमेंट था। किसका है? एसडी दुबे साहब का। व्यक्तिगत ये पेमेंट किया जाएगा, बोकारो जोन के जोनल एडवाइजर हैं, सबसे सीनियर वही है। क्या प्रॉब्लम है, क्या मांग है? इन लोगों का मांग है कि मेरा भी पेमेंट होना चाहिए, सही मांग है इन लोगों का। अभी जो है उनकी पेमेंट को रोक दिया गया है, पेमेंट भुगतान नहीं हुआ है। अब मैनेजमेंट के पास ऊपर जाएगी, मैनेजमेंट उसकी निराकरण करके जैसा देगी फिर सबको बता दी जाएगी। तो डायरेक्ट तो आया ही है, हम ये कहाँ कर रहे हैं नहीं कर। अगर आप कोई भी आदमी अगर ऊपर बात करते हैं तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ना। ऊपर की है प्रबंधन के ओर से उनको दिया गया, अब किस हालत में दिया गया उसके बारे में हमें नहीं पता। चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाय से शुरू हुआ और गुरुवार की सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व का समापन हुआ। द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम ने गुरुवार की सुबह सभी छठ घाटों का दौरा किया और लोक आस्था का महापर्व छठ में सम्मिलित हुए।
बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध हालत में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। चास पोपनकी के रहने वाले लोगों ने इस घटना की जानकारी चास मुफस्सिल थाना को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चास मुफस्सिल पुलिस ने इस कांड को दर्ज करते हुए इस घटना को गंभीर मानते हुए जाँच में जुट गई है। बीते रात मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम पोपनकी में नगमा खातून का शव अति संदिग्ध हालत में मरा पड़ा पाया गया। इस संबंध में उसके भाई तनवीर आलम ने तनवीर अंसारी ने एक मामला दर्ज करवाया है जिसमें उन्होंने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है जिसमें उन्होंने मृतका के पति हाशमी रजा एवं उनके 5 भाइयों एवं उनकी माँ को अभियुक्त बनाया है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। बादी ने मामला तो अति मामला जो दर्ज करवाया है उसमें लिखा है कि हत्या करके उसको फांसी पर लटकाया गया है, लेकिन यह क्लियर तभी हो सकता है जब पोस्टमार्टम हो जाए कि मारने के बाद उसको टांगा गया है कि यह खुद अपने से आत्महत्या की। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या 0 हो गई है, जबकि 1428 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बड़े बड़े फिल्मों को पर्व त्योहारों में रिलीज करने का चलन रहा है। पिछले सप्ताह PVR में भी 2 फिल्म सूर्यवंशी और एटर्नल्स को लेकर दर्शकों की काफ़ी भीड़ नजर आई थी। इस सप्ताह भी दोनों फिल्मों को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया, जिसे देखते हुए दोनों फिल्मों को जारी रखा गया है। अगर आप भी इन दोनों फिल्मों को देखने में यदि रुचि रखते हैं तो इस सप्ताह भी इन फिल्मों को देख सकते हैं। नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत आगामी 13 नवंबर को मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन स्थानीय रामरुद्र +2 विद्यालय परिसर में किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को न्याय सदन सभागार में प्रधान जिला सह सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा एवं विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे में बोकारो टाइम्स के दर्शकों ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है और सारे छठ घाटों को कवरेज करने के लिए थैंक्स भी कहा है। बोकारो टाइम्स के सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, हम लोग सरोकार की पत्रकारिता करते हैं और जो आपको ज़रूरत है वही खबरों को दिखाते हैं, तो बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।